रही एलएन की बिल्डिंग सामने की। व्हाट्सअप पब्लिक, गुड मॉर्निंग, दिस इज नीलेश देशमुख दिस साइड। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं जॉगिंग के लिए निकला था। जॉगिंग करते करते अपने रूम से काफ़ी दूर आ चुका हूँ इन सर्च ऑफ लाइट, क्योंकि यू नो ब्लॉगिंग के लिए लाइट प्लेज मेन रोल। साइट भी अच्छी होनी चाहिए, बट दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट ब्लॉग, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर कर सकूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे कोटा में वेदर इतना बेहतर नहीं होता है जितना बेहतर इट कैन बी फील्ड इन द मॉर्निंग। सुबह में आप काफ़ी बेहतर महसूस करते हो वेदर के साथ, अदरवाइज तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि अगर आपके रूम में एसी नहीं है तो यू कांट। शायद ही कोई इस तरफ आता होगा, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना था तो स्टार्टिंग में पब्लिक में काफ़ी ऑकवर्ड फील होता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई साइलेंट जगह फाइंड करते हैं जहाँ पर आराम से ब्लॉगिंग कर सके। सो फाइनली आई फाउंड इट। वैसे नेचर इज़ वेरी गुड राइट है, काफ़ी बेहतर है नेचर। जानवरों के लिए खाना रखा हुआ है, दैट्स वेरी गुड। ये देखिए खाना खा रही है, डर गई। सो अब वापस लौटने का समय आ गया है। ये कितनी बिजी सड़क है यार, मॉर्निंग के टाइम पे भी इतना हल्ला हल्ला रहता है। इतने सरप्राइज थे वो कि रुक गए देखने के लिए कर क्या रहा है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन पब्लिक, अगर आप पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक तो इतना ज़्यादा हल्ला हंगामा हो रहा है, उसके ऊपर से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सो मच प्रॉब्लम है। चलते चलते मैं एलन के बिल्डिंग के पास पहुंच गया हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सामिक, वन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ एलन। 14 बिल्डिंग है एलन के, मैं यहीं पे बैठा हूं, मैं आपको दिखाता हूं नजदीक। एज ए स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली एलन विल बी ओनली ऑप्शन, क्योंकि एलन के अलावा कोई और जगह है नहीं यहाँ पर जहाँ आप जिसके लिए आप कोटा आए और कोटा में रह के पढ़े। वैसे एलन प्रोवाइड्स वेरी गुड फैसिलिटी विच इज़ एप्रिशिएबल, और ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो आते ही हैं, अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी देता है। बाय द वे साइकिलिंग कुड ऑल्सो बी अ बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर अ फिजिकल लवर गाय। एक्चुअली आई हैव साइकिल बट आई डिडेंट brought it with me, so planning for next day with the cycle. आज सोचा थोड़ा बहुत पैदल ही चल लूँ। ये इलाका पब्लिक से काफ़ी कम पब्लिक है इस इलाके में, बट ये ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यही इलाका सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस कम मिलता है। चलिए अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपने रूम पर आफ्टर ट्रैवलिंग अलॉन्ग डिस्टेंस। वाकई में चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया था, वापस आते आते मेरे को अभी 1 घंटे लग गए। काफ़ी थक चुका हूँ, अब स्नान करूँगा, नाश्ता, फिर बैक टू स्टडी। देखते हैं शेड्यूल क्या होता है, क्या बन पाता है शेड्यूल पढ़ाई का। दूर चलने के बाद मैं पहुँच गया अपने घर। दिस अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, काफ़ी थक गया हूँ, फिर नाश्ता खाना।
का टाइम है, बहुत जोर का भूख लग रहा था, तो मैं जा रहा था खाना खाने, फिर खाना खा के मिलते हैं। ओके, सो आई एम डन विथ माई फूड। फूड टेस्टी था बट खाना में बैगन का सब्जी था, विच आई डोंट लाइक एंड डोंट इवन ईट, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे बैगन के सब्जी से काफ़ी एलर्जी है। सो मैं जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ उसे। खाना तो ठीक था बट आई डिडंट ऐड तरकारी। सो नाउ बैक टू स्टडी। अब आज टेस्ट भी है हमारा 4 से 7, तो मिलते हैं टेस्ट के टाइम। थोड़ा तब तक पढ़ाई कर लेता हूँ। लग तो रहा है कि पहुँच गए, बस 2 मिनट हो हम टेस्ट सेंटर पे होंगे। सो समहाउ आई मैनेज टू रीच, ऑलमोस्ट 4 तो बज चुके हैं। देखते हैं, मैं पहुँच चुका हूँ अपना रूम और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। एक्चुअली मैं काफ़ी न्यू हूँ, लर्निंग हाउ टू ब्लॉग इन अ बेटर वे।